बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, माय नेम इज़ सज्जाद अली। वीवर्स, इससे पहले वाली वीडियोस में आपने सीखा था ऑर्डर लिस्ट क्या होती है और किस तरह से बनाई जाती है, अनऑर्डर लिस्ट किस तरह से बनाई जाती है। इस वीडियो में हम देखेंगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट या डेफिनेशन लिस्ट किस तरह से बनाई जाती है। अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट किस लिए यूज़ होती है? किसी भी टर्म की डेफिनेशन देने के लिए। अब हम ये देखेंगे कि प्रैक्टिकली HTML में किस तरह से बनाई जाती है। तो हम अपना नोटपैड ओपन कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, बेसिकली डेफिनेशन लिस्ट के लिए जो टैग यूज़ होता है वो है DL। DL मतलब डेफिनेशन लिस्ट, DL। अब हमने जो भी लिस्ट बनानी है वो इसके अंदर ही बनेगी। तो हमने कौन सी लिस्ट बनानी थी? हमने कंप्यूटर की लिस्ट बनानी है। कंप्यूटर लिखना है और उसकी डेफिनेशन देनी है। तो हम अपना नोटपैड दोबारा से ओपन कर लेते हैं। तो जो हमने इसकी हेडिंग देनी है उसके लिए हमने टैग यूज़ करना है DT का, DT क्लोज। DT मतलब डेफिनेशन टर्म, डेफिनेशन टर्म। हम कौन से टर्म की डेफिनेशन देना चाहते हैं? कंप्यूटर, नहीं, यहाँ कंप्यूटर लिख दिया। और अब इसकी हमने डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन लिखने के लिए हमारा टैग यूज़ होता है DD। DD मतलब डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे लिख देंगे इसकी डेफिनेशन, कंप्यूटर इज़ ए डिवाइस यूज्ड टू प्रोसेस डेटा। तो हमने इसको अब क्लोज कर देना है, इस टैग को। अब व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट बन गई। यहाँ से हमने डेफिनेशन लिस्ट शुरू की और उसमें ये हमने टर्म बताया किस टर्म की डेफिनेशन चाहिए और ये हमने उसकी डिस्क्रिप्शन दे दी। अब इसको सेव करेंगे, ब्राउज़र में आ जाएं। तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन लिस्ट बनाई थी, ये टर्म यही शो हो रहा है हमारे पास और उसकी डेफिनेशन नीचे शो हो रही है। इसी तरह अब हम कीबोर्ड और उसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इसी में DL के टैग के अंदर ही सिंपली यहाँ पर सेकेंड टर्म लिखेंगे, DT। हेडिंग के लिए क्या यूज़ होता है? DT, डेफिनेशन टर्म। कीबोर्ड DT क्लोज, और उसके बाद इसकी हमने डेफिनेशन दे देनी है, कीबोर्ड इज़ ए डिवाइस यूज्ड फॉर टाइपिंग। उसको क्लोज कर दिया। तो व्यूअर्स, ये हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट बन गई और इसमें हमने दो टर्म्स दे दी और दोनों की डिस्क्रिप्शन दे दी। इसको हम सेव करेंगे और ब्राउज़र में चेक करेंगे। व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कंप्यूटर और उसकी डेफिनेशन आ गई, कीबोर्ड और उसकी डेफिनेशन आ गई। तो व्यूअर्स, ये हैं हमारी तीन टाइप ऑफ लिस्ट। नंबर वन ऑर्डर लिस्ट, नंबर टू अनऑर्डर लिस्ट, नंबर थ्री डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो व्यूअर, उम्मीद है कि आपको ये कोडिंग समझ में आ गई होगी, ऑर्डर लिस्ट की, अनऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। व्यूअर्स, मज़ीद आप प्रैक्टिस करें तो आपको मज़ीद अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो में, इस लेक्चर में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं से भी कुछ भी समझ में ना आया हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। व्यूअर्स, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।